हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फसल मैनिया बेतंकुर में। कल 2 सितंबर में IBPS क्लर्क प्री का एग्जाम कंप्लीट हो गया। एग्जाम होने के बाद काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए और उसमें एक स्वाभाविक सा क्वेश्चन भी देखने को मिला कि IBPS क्लर्क प्री रिजल्ट में कितने दिन का समय लग सकता है, कब तक हम IBPS क्लर्क प्री का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो जिनका RRB PO और RRB क्लर्क प्री दोनों क्लियर हो गए या फिर एक भी प्री क्लियर हो गया, वो तो मेंस की तैयारी कर रहे हैं और वही मेंस की तैयारी से उनकी IBPS क्लर्क मेंस की तैयारी भी होती रहेगी। लेकिन जिनका RRB PO और क्लर्क दोनों ही प्री क्लियर नहीं हुए हैं तो उनके लिए IBPS क्लर्क बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखो दोस्तों, 7 अक्टूबर में IBPS क्लर्क मेंस होना है, लगभग 1 महीने का समय है। अभी से आप मेंस की तैयारी में लग जाओगे ना, बिल्कुल आप IBPS क्लर्क मेंस क्लियर कर सकते हो। क्लर्क में क्या होता है कि सिर्फ मेंस की कट ऑफ क्लियर करनी है, जॉब आपके हाथ में। जब RRB PO और RRB क्लर्क प्री का रिजल्ट आया ना, तो काफी सारे स्टूडेंट्स थे जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। रिजल्ट आने के बाद काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट भी आए कि प्री तो क्लियर हो गया, लेकिन अब ये समझ नहीं आ रहा कि 14 से 15 दिन में मेंस कैसे करें, क्योंकि मेंस के लिए आपको बहुत सारा मटेरियल तैयार करना पड़ता है। इसलिए जिनके दोनों ही RRB प्री क्लियर नहीं हुए हैं तो आपको ये गलती IBPS क्लर्क में नहीं करनी है। अब IBPS क्लर्क मेंस के लिए तैयारी कैसे करें? सबसे पहले तो आप एक दो मेंस के मॉक टेस्ट लगा दो या फिर मेमोरी बेस्ड पेपर लगा दो। उससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि अभी आपकी मेंस की तैयारी कितनी है और कितनी आपको करनी है। फिर 1 महीने के लिए बढ़िया से स्ट्रेटजी बनाइए और उसको आप फॉलो कीजिए। अब मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं? देखो, गाइडली, स्मार्ट क्रीड़ा या ऑल रिपोर्ट, तीनों का लेवल बहुत बढ़िया है। जो भी आपके पास है वही मॉक टेस्ट आप लगा लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप PM10 कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तीनों में मिल जाएगा। गाइडली तो सिर्फ 97 रुपए में आपको मिल जाएगा। तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर आप ले सकते हैं। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो RRB PO और RRB क्लर्क में हमने देखा कि लगभग 15 दिन का समय आपको मेन्स के लिए मिला है और इतना ही समय आपको IBPS क्लर्क मेन्स के लिए मिलेगा। अब 7 अक्टूबर में IBPS क्लर्क मेंस एग्जाम है तो लगभग 20 या 22 सितंबर तक हम IBPS क्लर्क प्री का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जिन्होंने IBPS क्लर्क प्री दिया है, आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपका किस डेट और किस शिफ्ट में एग्जाम था, आपके टोटल अटेम्प्ट कितने थे और IBPS क्लर्क आपने किस स्टेट से अप्लाई किया था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।